एंड वॉट एग्जैक्टली यू वॉन्ट, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैं बहुत सारे अपने मेम्बर से पूछती हूँ, क्लाइंट से पूछती हूँ, एंड कुछ क्लाइंट समझ जाती हैं मैं उनसे क्या पूछना चाह रही हूँ और कुछ नहीं समझ पाती. कुछ मुझे बोलती हैं कि मैं इनकी वाइफ हूँ, मैं इनकी डॉटर हूँ, मैं यहाँ पर रहती हूँ, ये मेरा घर है और मैं अपने इन लॉज के घर रहती हूँ, या मैं अपने हस्बैंड के घर रहती हूँ, या फिर मैं यहाँ पर रहती हूँ. ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं फिर रिपीट करती हूँ, हु यू आर एंड वॉट एग्जैक्टली यू वॉन्ट. आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2023 के बहुत सारे फेलियर्स क्लाइंट्स के बारे में जो कि बिल्कुल वेट लॉस नहीं कर पाए, उनके रीजंस एंड थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियो जिससे आपको 2024 में पुश मिलेगा. 2023 में बिगनिंग में मेरे साथ जो मैंने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा होता चला गया. आज 2023 जो है हमारा ख़त्म हो रहा है, 24 स्टार्ट हो रहा है. जो हुआ बहुत अच्छा हुआ एंड बहुत ज़्यादा अनप्लान्ड था, बट बहुत अच्छा हुआ. मैंने अपने लाइफ की सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट करी है. वो कैसे है, क्या है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मुझे फॉलो कर लो, मेरी आईडी वहाँ पे मैं पोस्ट करूँगी. मैं कल 31 को एक रील पोस्ट करूँगी अपने इंस्टाग्राम में जिसमें मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक एक समराइज चीज़ पोस्ट करूँगी, किस मंथ में क्या क्या चीज़ें मैंने देखी है, एंड बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है. एंड नेक्स्ट, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए थे 2023 में जो मुझे एग्जैक्टली याद है, जिसमें उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैम मैं प्रॉपर डाइट करूँगी, ये करूँगी, वैसे करूँगी, मील का पिक्चर्स भेजूँगी, फोकस होके चलूँगी, जीरो ट्रैवल पे रहूँगी, जीरो आउटिंग करूँगी, कोई बिंज ईटिंग नहीं करूँगी. ये जो प्रोमिसज होते हैं ये फेक प्रोमिसज होते हैं, फॉल्स प्रोमिसज हम कह सकते हैं, क्योंकि आउटिंग भी होगी, बिंज ईटिंग भी होगी, कभी कभार गड़बड़ भी होगी, कभी कभार ऊपर है नीचे भी होगा. ये सब एक ह्यूमन नेचर है जो एक बहुत सिंपल है, हर जगह पे होता है. यहाँ पे वेट लॉस की बात नहीं करते, यहाँ पे एक बात करते हैं एक सिंपल आइडेंटिटी की, जो कि है हु यू आर, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो. लड़कियाँ शादी करके अपने हस्बैंड्स और इन लॉज के घर जाती हैं, मुझे भी जाना है, लेकिन क्या आप अपने साथ कुछ सिक्योर हो के जाते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपकी बैक कैसी है नाउ, बैकग्राउंड अगर आपका बिल्कुल नहीं है, आपने कुछ अपने लिए पकड़ रखा है, कुछ सेव कर रखा है, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें कुछ बना रखी हैं जिसको होल्ड करके आप शादी के लिए स्टेप ले रहे हो. मैरिजेज आज के टाइम में चुटकियों में टूटती है, चुटकियों में बनती है. कुछ मैंने फीमेल्स ऐसे देखी हैं जो कि 100 kgs पे 80 kgs पे हैं, उनके हस्बैंड्स का अच्छा खासा बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, वो परेशान होकर और ज़्यादा खाती हैं और दुखी होती हैं, एंड रीज़न इज़ डिवोर्सेस. Now, जो भी ये रीज़न निकलते हैं डिवोर्स का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, चीज़ों का, मैं मानती हूँ हस्बैंड की मिस्टेक है, लेकिन क्या यहाँ पे आपने सोचा कि आप इस तरीके से अपने शरीर को बना रखा है, आप इस तरीके से अपनी हैबिट्स बना रखी हैं कि आपका घर ठीक ही नहीं हो पा रहा. मेरे पास काफ़ी फीमेल्स ऐसी आई हैं क्लाइंट्स जो सेम इशूज़ लेके आई हैं. जब मैंने उनको उनकी गलतियाँ रियलाइज़ कराई तो 90% लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली सेव हुई हैं, बच गई हैं, क्योंकि उन्होंने खुद के अंदर ही इम्प्रूव कर लिया. नहीं, यहाँ पे बात करते हैं वेट लॉस का. मैं पिछले 7 साल से बहुत तरीकों की डाइट्स बता रही हूँ, ड्रिंक्स बता रही हूँ, आयुर्वेदिक चीज़ें बता रही हूँ, लोगों के ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, उनके ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, ये एक अच्छी चीज़. यहाँ पे मैं बात करती हूँ कुछ एक नेगेटिव चीज़ों की. आपको पता है जस्ट बिकॉज ऑफ दी वेट, हैवी वेट की वजह से लोगों के घर टूटे हैं, हस्बैंड्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चले हैं, वाइफ का हस्बैंड में, हस्बैंड का वाइफ में इंटरेस्ट जीरो हुआ है, लोग अपने करियर में फेलियर देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, प्रेजेंटेशन देने का, ना प्रेजेंट होने का, ना खुद को खड़ा करने का, और हेल्थ इश्यूज माशाल्लाह. नेक्स्ट, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वेट की वजह से डिप्रेशन में गए हैं, जो एनजाइटी और डिप्रेशन की दवाइयाँ भी ले रहे हैं. काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एनजाइटी और डिप्रेशन की दवाइयों से 100, 120, 150 kg गेन करा है, जिनको BP, लिपिड प्रोफाइल, उनका शुगर लेवल सब बहुत ज़्यादा हाई है. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शुगर अगर डिटेक्ट होता है तो वो डर इतना जाते हैं, इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो और बिंज ईटिंग करके अपना वेट गेन कर लेते हैं. रिधि मेरे पास आई थी 11 HbA1c पे, उनका रिपोर्ट है 5.8 HbA1c, विच इज़ लाइक इक्वल टू प्री डायबिटिक विद इन 3 months, और ये सिर्फ डाइट से हुआ है, सिर्फ डाइट से, नो मेडिकेशन. उनकी तो दवाइयाँ, इंसुलिन भी बंद है जस्ट 3 months के अंदर. एंड उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी फीमेल्स हैं जो वेट लॉस करने के बाद
उन्होंने अपनी घर भी बचाया है, मैरिड लाइफ सेव करी है, अपने आप को करियर में बिल्ड करा है, अपने आप को आगे लेके गई हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। वेट लॉस करना इट्स नॉट ओनली ग्रूमिंग का पार्ट, बट ग्रूमिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अपने बाल कैसे कैरी करते हो, आप मेकअप कितना सीखते हो, आप कपड़ों का ड्रेसिंग सेंस आपका कैसा है, आपका वे ऑफ बिहेवियर कैसा है, आप वे ऑफ रिएक्शंस आपके कैसे हैं, आप किस तरीके से लोगों के साथ प्रेजेंट होते हो, बात करते हो, आगे चीज़ें लेकर चलते हो। कुछ फीमेल्स होती हैं, अगर उनके साथ कोई हादसे घटते हैं तो वो चुपचाप बैठ जाती हैं। मेरे साथ बहुत सारे हादसे घटे हैं बचपन से अभी तक, बहुत सारे फेजेस गए हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रही हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, बट ना मैंने वीडियो पोस्ट करना रोका, ना मैंने अपनी चीज़ों को रोका। ठीक है, आधा घंटा, एक घंटा, एक दिन मैक्सिमम आपको चीज़ों से ओवरकम करने में लगता है, बट इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ अलीना का। वो मेरे साथ 3-4 साल से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने पहले भी अपना वेट लॉस करा, फिर उन्होंने बर्थ दिया बेबी को, फिर दोबारा उन्होंने वेट शेड करा। मैंने उनका ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टा पे पोस्ट किया था। आपने कभी सोचा कि एज अ न्यूली मदर, दो बेबीज की मम्मा, एंड वो अपने पे फोकस कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी दे रखी है। जब वो मुझे बोलती हैं मैम मैं अलीना बोल रही हूँ, वो एक टोन अलग होती है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ वो खुद को इम्पोर्टेंस देती हैं, खुद को प्रायोरिटी पे रखती हैं, उनका लुक्स मैटर करता है, वो अपने आप की हेल्थ को मैटर करती हैं। आप अगर पतले हो, अच्छे दिख रहे हो, आप लोकली 200-300 रुपए की भी जीन्स पहनोगे आप पे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप बिल्कुल मोटे हो, आप गुची की भी जैकेट पहनो या गुची की भी कपड़े पहनो, आप भद्दे ही दिखोगे। नो मैटर आप कितना बड़ा डिज़ाइनर का कोई भी कपड़ा उठा के पहन रहे हो, आप भद्दे ही दिखोगे, आप बिल्कुल अच्छे नहीं दिखोगे। जो लोग सोचते हैं ना अगले साल, कल से, परसों से, तरसों से, फिर अगले साल, कल, परसों, तरसों, उनका कभी दिन नहीं आता। जिसको वेट लॉस करना है ना, उसका थॉट जगेगा, वो सुबह नाश्ते के बाद शाम से भी डाइट चालू कर देगा, यार इसके बाद और नहीं। वो कल सुबह की वेट नहीं करेगा, वो अगले हफ्ते की वेट नहीं करेगा, वो 10 दिन बाद की वेट नहीं करेगा। जिसको करना है वेट कम, वो करेगा। एलिना ने भी तो वेट कम करा है, कुछ फ्यू मंथ्स में करा है, न्यू मम्मा होने के बावजूद भी करा है, और उनका जो स्टोरी है मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एलिना है, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड और ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है जिसमें मैंने 37 केजीज डाउन किया है। इससे पहले मैं जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मैंने 22-23 केजीज डाउन किया है। उसमें भी मैंने मैम से ही हेल्प ली थी, मैम की डाइट से मैंने वेट लॉस किया था। इस बार भी मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी हुई आफ्टर द डिलीवरी, उसके बाद मैंने मैम को मेल किया, तो उस बीच मैंने मैम के यूट्यूब वीडियोस देखे ना, यूट्यूब वीडियो से जो भी डाइट्स है मैंने वो सब किया, तो उससे मेरा 15 केजी डाउन किया। मैंने स्टार्ट किया था 94 केजीज़ मैंने 15 केजीज़ डाउन किया। उसके बाद मैम का रिप्लाई आया, मैं बहुत 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 खुश थी ना कि अब मैं मुझे पर्सनली गाइड करेगी, तो मैम के पर्सनल गाइडेंस और सपोर्ट से मैंने अपना टारगेट अचीव किया। मैं अपनी शेप में आ गई, जो मैंने प्रेगनेंसी से पहले जो था उसमें मैं आ गया। मैं बहुत बहुत खुश हुआ भी कि मेरे पुराने कपड़े मुझे फिट हो रहे एंड अच्छी दिख रही हूँ, लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैम ने मेरी पूरी जर्नी में, मैम मेरे हर एक स्टेप में थी। यू नो अगर आप बीमार हो तो मैम आपको डाइट्स अलग देंगी, या फिर यू नो कुछ चीज़ें नहीं मिल रहे आपके यहाँ पे तो मैम यू नो जो मिल रहा है उसका कंटिन्यूटी बताती थी मैम, सपोर्टिव मैम को कॉल या टेक्स्ट करने से ना मैम का रिप्लाई आ जाता था कि हाँ क्या हुआ, तो मैम प्रॉब्लम ना सॉल्व कर देती थी। थैंक यू सो मच मैम की वजह से आई केम इन माय प्रीवियस शेप। थैंक यू सो मच। 94-57 अभी मेरा वेट है 57 kg। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। वेलकम बैक। इस तरीके की मेरे पास बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज हैं, बहुत मतलब बहुत सारी। आरती की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है, उसकी तो स्टोरी देखकर भी आप शॉक हो जाओगे। वैष्णवी की स्टोरी है, उसकी भी स्टोरी देखकर भी आप शॉक हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर्स हैं मेरे पास, जो कि अगर मैंने आपके सामने ओपन करे यू विल बी शॉक्ड कौन सा बंदा किस तरीके से कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म करके अपना करियर बिल्ड कर रहा है। वेट लॉस करना एक जस्ट सिंपल चीज़ है, उसके बाद मेंटेन करना खुद को,
मैंने अपने आप को 4 साल से मेंटेन कर रखा है. इस साल मैंने बहुत सारे फेजेस देखे हैं. मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान करके चली थी, उस हिसाब से नहीं हुआ. अचानक से मुझे एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ा जो कि बहुत बिग था. देन मेरा नया रिश्ता जुड़ा और बहुत सारी आउटिंग भी हुई. अगर मैं अपने पे ध्यान ना रखती, ट्रस्ट मी, मैं दोबारा 100 kgs पे जंप करती. बट मैंने अपने आप को बहुत संभाल के चला, खुद की प्रायोरिटीज़ को लेके चला. सेम आप लोगों के साथ है. एक घटना घटती नहीं आपकी ज़िंदगी में, आप टूट के खाने पे उतरते हो कि आ जाओ भाई खाएंगे. खाना इकलौता ज़रिया है ज़िंदगी का, सिर्फ और सिर्फ खाएंगे. कुछ लोग होते हैं जो पूरे दिन सिर्फ खाने के बारे में ही सोचते हैं और रात को वेट लॉस के बारे में सोचते हैं. वो सुबह से उठते हैं, उनका टारगेट होता है आज ये खाना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. रात तक उनका सिर्फ खाना ही चलता रहता है. मुझे अच्छे से याद है, मेरा फर्स्ट करवा चौथ था अभी. एंड वहाँ पर क्या था, मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत फूडी हैं. वो 12 बजे से लेके सुबह के 3-4 बजे तक ऑर्डर्स ही आ रहे हैं कि सरगी करेंगे जी, सरगी करेंगे. खाना ही चल रहा है, सिर्फ खाना ही खाना चल रहा है. ऐसे करने से आपको लगता है कि चीज़ें मतलब कि वर्कआउट करेंगी? नहीं करेंगी ना. बंदा मोटा ही होगा, मोटा होगा, हेल्थ इश्यूज़ ख़राब होंगे. सेम यहाँ पे आप लोगों के साथ चीज़ है. जिन लोगों के माइंड में पूरा दिन खाना खाने की सोचते हो, कुछ एक चीज़ में एक टिप बताती हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा फूडी हो, आप एक हफ्ता जम के खा लो. आपको जो खाने का मन है खाओ, आप अपनी क्रेविंग्स ख़त्म करो, दबा के खाओ, जो खाना है खाओ, सुबह दोपहर शाम रात जंक खाओ. और उसके बाद जाके जब एक हफ्ता आप खाने से उक जाओगे, थक जाओगे, तब आप एक हफ्ते के बाद अगर आप अपनी डाइट स्टार्ट करते हो, शायद आप फोकस होकर डाइट कर पाओ 1 महीना या 45 डेज. अगर जो बंदा 45 डेज का रेशो कवर कर लेता है डाइट का, या 30 दिन का भी मिनिमम कवर कर लेता है, वो आगे डाइट कर लेगा और उसका बॉडी आगे भी रिस्पॉन्स करेगी थोड़ी बहुत बिंज ईटिंग और चीटिंग के बाद. बट डाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करने के लिए, अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, लुक्स को मेंटेन करने के लिए और अपने आप को प्रायोरिटी देने के लिए. सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी केयर के बराबर है. फॉर एग्जाम्पल आप अपनी केयर नहीं करते, स्टिल आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैरी कर रहे हो, तो बिल्कुल ज़ीरो है. आप क्या खा रहे हो, किस तरीके के दिख रहे हो, किस तरीके के कपड़े पहन रहे हो, कैसे अपने आप को लेकर चल रहे हो, वो एक चीज़ कैरी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. डम बन के घर में बैठे रह जाओ, हाँ जी पापा हमारे सब कुछ कर देंगे, हमारी मम्मा सब कर देंगी, हमारे भाई हमारे लिए सब कर देंगे, ये एक बहुत गलत मिथ है. पापा की जितनी परियां हैं या फिर अपने रिच फादर के जितने भी रईस बिगड़े हुए लोग होते हैं, बेटे होते हैं, वो लोगों को अगर तुम मार्केट में कहीं उतारो कि जाके तुम अपने लिए अपने खुद के पैसों से एक छोटी सी गाड़ी भी ले लो, वो नहीं खरीद पाएंगे. क्योंकि उनको आदत है पापा के पैसों की या फिर अपने माँ बाप के तरफ से पलने की. अगर आप खुद एक सेल्फ मेड पर्सन बनते हो, इंडिपेंडेंट बनते हो, आपका ऑरा, आपका उठना बैठना चलना फिरना हर चीज़ अलग दिखेगी. आप भीड़ में भी ना अलग अपने आप को पाओगे. और जो जो इस तरीके के कस्टमाइज लोग होते हैं, जो पापा के पैसों पे ज़िंदा हैं या फिर मम्मा के पैसों पे रईसों की तरह ज़िंदा हैं, जो किसी और के पैसों पे, आप उनको कुछ भी नहीं समझोगे. सो अपने लिए वर्क करो. अपने से आज एक क्वेश्चन पूछना, हु यू आर एंड व्हाट यू वांट, क्या दिख चाहते हो और कौन हो आप. अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो. आप चाहे बच्चे पैदा कर चुके हो या आप कहीं पे बहू हो या आप कुछ भी कर रहे हो, आपको अपने आप को प्रायोरिटी पे लेके चलना ही चलना. सबसे पहले आप हो. आप ठीक हो आप 10 लोगों की टेक केयर कर पाओगे. आप ठीक नहीं हो आप किसी की भी टेक केयर नहीं कर पाओगे. हम फीमेल्स के साथ क्या होता है, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि आप तरसते हो, यार आओ मेरी केयर करो, आओ मुझे इम्पोर्टेंस दो, आओ मुझे पैम्पर करो. बट यहाँ पे खेल बहुत अलग होता है. आप जब अपने अंदर मगन हो जाते हो ना, आपका पार्टनर खुद ही आपके पास आ जाता है. सबसे पहले आप खुद की तो केयर करो, खुद को तो रिस्पेक्ट दो. अगर आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते, बिछे पड़े हो सामने वाले के सामने, कोई आपकी केयर कंसर्न नहीं करता. सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल. ये 2023 का मेरा लास्ट वीडियो है एंड आई एम श्योर आप लोगों को थोड़ा सा पुश और मोटिवेशन मिला होगा कि नेक्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू बी अ गुड 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 वाला ईयर फॉर यू. एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. एंड फिट रहो, हेल्दी रहो, खुद को देखो क्या करना है, कैसे करना है, आगे क्या चीज़ लेके चलनी है. और अपनी शादी से पहले अपनी बैक और अपना हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चलो, तभी जाके आप आगे शादी करना. अदरवाइज़ शादी अभी मत कर. ओके, टेक केयर जी, बाय बाय.